नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुशीनगर जनपद के विकास खंड दुदही के जंगल शंकरपुर गांव में पिछले 3 दिन से भ्रष्टाचार के खिलाफ गांव के शिव मंदिर प्रांगण में चल रहे आमरण अनशन के तीसरे दिन जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राधेश्याम पांडे ने जब अनशनकारियों की बिगड़ती हुई स्थिति बताई तो स्थल पर पहुंचे उप जिलाधिकारी तमकुही गुलाब चंद ने अनशनकारियों की मांग पत्र को स्वीकार करते हुए जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। पिछले 3 दिन से चल रहे इस अनशन में अनशनकारियों की हालत अब नाजुक होने लगी थी, जिसकी सूचना क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने तत्काल उप जिलाधिकारी तमकुही गुलाब चंद को दिया, जिसके पश्चात उप जिलाधिकारी अनशन स्थल पर पहुंचे। अनशनकारियों के मांग पत्र जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों को लाभ मिलना, सस्ते गल्ले की दुकान में घटतौली, गांव में हुए अधूरे निर्माण कार्य का पूरा भुगतान करा लेना, गांव के सार्वजनिक कुएं के पास आसपास की जमीन पर अतिक्रमण एवं गांव में अवैध कच्ची शराब की बिक्री की प्रमुखता से जांच कराने संबंधित मांगों को दर्शाया गया था। उप जिलाधिकारी ने उनको दिलासा दिलाया कि उनकी जितनी भी मांगे हैं उसे उचित तरीके से जाँच करवाया जाएगा और जो भी अनियमितताएँ मिलेंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अनशनकारियों की मांगों को स्वीकार करते हुए उप जिलाधिकारी ने जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। अपात्र लोगों को दे दिया गया है, वो उसकी जांच हो गई है और कुछ अभी जांच चल भी रही है। जो पात्र छूटे हैं उनको हमने बता दिया कि अगर छूटे हैं पात्र और हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शासनादेश है उसके परिधि में आते हैं तो उनको दे दिया जाए। दूसरा आरोप ये भी है कि कोटे को लेकर इन लोगों की है कि मतलब कोटे की जो इनकी शिकायत थी उसकी कल हमने जांच करवा ली है। एक शिकायत यह है कि वो कोटेदार के जो है वो उसके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है, वो अगर शासनादेश में नहीं होगा तो कार्रवाई हो जाएगी, हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही गांव के प्रस्ताव से वो कोटा बना है, अगर नए शासनादेश में नहीं होगा तो कार्रवाई हो जाएगी।